नमस्कार, यह है तिनका तिनका जेल रेडियो, जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। पिछले पॉडकास्ट में आपने तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स 2015 के बंदियों से मुलाकात की। आज 2016, यह साल स्वच्छ भारत अभियान और नोटबंदी का साल था। जो जेल में थे उन्होंने भी इसे गौर से देखा, अपनी तरह से समझा। इस साल प्रतियोगिता में 4 वर्ग रखे गए थे, कविता, पेंटिंग, विशेष टैलेंट और जेल अधिकारी। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात से इस साल सबसे ज्यादा नामांकन आए। इस साल बरेली जेल उत्तर प्रदेश में बंदी 45 वर्षीय वैभव जैन की कविता छींटे को कविता की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। पेशे से अध्यापक रहे वैभव जेल की अपनी सजा काटते हुए अब कविता लिखते हैं। इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार राजकोट गुजरात की 30 वर्षीय मनीषा राम सिंह डांडिया को उनकी कविता फासला के लिए दिया गया और तीसरा पुरस्कार आगरा की केंद्रीय कारागार में बंदी दिनेश गौड़ को उनकी कविता कैद हूं तो क्या हुआ, मन मेरा आजाद है के लिए मिला। इनमें दिनेश कुमार गौड़ अब जेल से रिहा हो चुके हैं, आज भी कविताएं लिखते हैं। बीच का दौर ऐसा आया जब उन्होंने तिनका तिनका आगरा के लिए भी रचना की और उनके लिखे गाने को हम सब ने मिलकर आगरा जेल का थीम सॉन्ग बना दिया। तिनका तिनका इंडिया अवार्ड पेंटिंग में पहला पुरस्कार बिलासपुर जेल छत्तीसगढ़ में बंदी बलवीर कुमार विश्वकर्मा को नोटबंदी पर बनाई गई उनकी पेंटिंग के लिए दिया गया। रामचंद्र ध्रुव को दूसरा पुरस्कार और 72 वर्षीय भैर सिंह साहू को तीसरा पुरस्कार मिला। अच्छा, आपको ये बता दूं कि भैर सिंह साहू आज भी जेल में हैं। हर साल इस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत से बनाए हुए अपने स्केच भेजते हैं। आज उनकी शारीरिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जेल के अंदर बंदी पेंटिंग बनाना सीखें इसके लिए वे रात दिन लगे रहते हैं। इसी साल इसी जेल से रविशंकर सिंह को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया गया। 28 वर्ष के रविशंकर जेल में आने से पहले स्टील की कंपनी में काम करते थे। खास बात ये रही कि पेंटिंग में सभी पुरस्कार इस साल छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जेल के नाम ही आए। इसकी एक बड़ी वजह भी है। इस जेल के उस समय के अधीक्षक श्री एसएस टिक्का का जेल के सृजनात्मक कामों में रुझान बंदियों के लिए एक नया हौसला बनकर सामने आया। आज जब आपसे बात कर रही हूँ, बलबीर विश्वकर्मा जेल से छूट चुका है। कुछ महीने पहले उसकी रिहाई हुई। अब वो बिलासपुर के पास एक गांव में कुछ गरीब बच्चों को पेंटिंग सिखाने का काम करता है। वो छत्तीसगढ़ में तिनका तिनका जेल स्टूडियो बनाने पर भी काम कर रहा है। सुनिए उसका क्या कहना है। मैं बलवीर गजानन स्वाभिमानी, तिनका तिनका नेशनल अवार्ड विजेता 2016, आप सभी को एक सच बताना चाहता हूँ। 2016 में तिनका तिनका फाउंडेशन की ओर से पेंटिंग कंपटीशन हुआ। मुझे अचानक पता चला इस पेंटिंग कंपटीशन के बारे में। मैंने जल्दी जल्दी में पेंटिंग बनाया। मैं सोचा नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा, लेकिन मुझे मिला। मेरे साथ साथ केंद्रीय जेल बिलासपुर खुशियों से झूम उठा। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतना सुंदर बदलाव आएगा। जिस बैरक में जाऊं, जिधर भी जाऊं, सभी लोग सम्मान दृष्टि से देखते थे। पहले तो सभी लोग गाली देते थे, बुरे नज़रों से देखते थे, सभी लोग अच्छे नज़रों से देखने लगे। मैंने ठान लिया कि अब नहीं, मैं तो बदला हूँ, मेरे साथ साथ और भाइयों को बदलूँगा। मेरे अंदर जितने भी कलाएँ हैं, पेंटिंग, कविता, उन सभी को और जेल में बंद
भाइयों को सिखाऊंगा और उन्हें भी आगे बढ़ाऊंगा। मैंने सोच लिया, मैंने ठान लिया और 62 बंदियों को पेंटिंग सिखाया और उनके अंदर मैंने खुद बदलाव देखा। वो जब कविता लिखते थे, जब पेंटिंग बनाते थे, अपने पत्र घर भेजते थे, तो उनके घर वाले लोग खुश हो जाते थे, उनके जीवन बदल ही गए। उनके घर वाले लोग बहुत ही अच्छे तारीफ करते थे, पत्र लिखते थे, तो मुझे सुनकर अच्छा लगता था। मैंने ठान लिया कि नहीं, अब मेरे अंदर बदलाव तो आ गया है, अब साथ ही साथ हजारों भाइयों को बदलूंगा, ये कसम खा लिया। 2016 में सूरत जेल में बंदी वीरेंद्र विठल भाई वैष्णव को तिनका तिनका इंडिया अवार्ड दिया गया। 2015 में भी वैष्णव को एक पुरस्कार मिला था। पेशे से पत्रकार और कार्टूनिस्ट, वैष्णव की किताब लाइफ बिहाइंड बार्स को इंग्लैंड के प्रकाशक ने प्रकाशित करने का ऑफर दिया। उसने वैष्णव को मिले इस पुरस्कार की सूचना एक अखबार में पढ़ी और उसने चाहा कि यह किताब हकीकत में प्रकाशित हो। किताब अब छप चुकी है। इसी साल हल्द्वानी जेल में बंदी आदित्यनाथ सिंह और पंकज यादव को सिलाई और कंप्यूटर में खास योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। जेल सुधार के लिए 5 अधिकारियों का चुनाव हुआ। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री सोमेश गोयल को बतौर डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजंस हिमाचल प्रदेश की जेलों का चेहरा बदलने के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय कारागार आगरा के जेलर श्री लाल रत्नाकर को जेलों में साहित्य को बढ़ावा देने और हल्द्वानी जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट मनोज कुमार आर्या को जेल में कला को प्रोत्साहन देने के लिए चुना गया। जिला जेल डासना के शिवाजी यादव और आनंद पांडे को जेल में रंगों को लेकर नए प्रयोगों और कलाकार बंदियों को उभारने के लिए चुना गया। श्री लाल रत्नाकर ने केंद्रीय कारागार आगरा में अपनी नियुक्ति के दौरान जेल के बंदियों को एक नई रोशनी देने की कोशिश की। इस जेल के ज्यादातर बंदी आजीवन कारावास पर हैं। डासना जेल के शिवाजी यादव और आनंद पांडे इस कोशिश में हमेशा रहे कि जो जेल में नए बंदी आ रहे हैं उनकी प्रतिभा को समझा जाए और फिर उसे निखारा जाए। तिनका तिनका डासना के तहत जेल की केंद्रीय जेल को नए रंगों से भर दिया गया। विवेक नाम की एक बंदी की पहचान हुई। उसने 3D पेंटिंग से इस जेल की दीवार पर जो रंग भरे वो शायद दुनिया की किसी दीवार पर देखने को ना मिले। सुनते हैं कि आनंद पांडे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरा नाम आनंद कुमार पांडे है और मैं विगत 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश कारागार विभाग में फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी नौकरी की शुरुआत इस समय उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में स्थित सितारगंज के संपूर्णानंद शिविर से हुई थी, जो कि एक ओपन जेल थी। वहाँ पर सजायाफ्ता बंदी खेती किसानी का काम करते थे और सुरक्षा संबंधी पाबंदियाँ वहाँ पर बहुत कम या बस प्रतीकात्मक ही होती थीं। वहाँ के बंदियों को शिविरवासी के रूप में जाना जाता था, जो कि एक निर्धारित रोस्टर के अनुसार खुले क्षेत्र में खेतों पर काम करते थे और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु दिन रात लगे रहते थे। इसके बदले उन्हें फायदा यह होता था कि उनके एक दिन वहाँ काम करने पर 2 दिन की सजा कम होती थी। वहाँ पर अक्सर 12-12, 15-15 साल पुराने बंदियों से मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। इन बंदियों से बात करके मैंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह जानते हुए भी कि यदि हम अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी, इसके बावजूद भी लोग अपराध क्यों करते हैं और फिर वो कौन से कारक होते हैं कि जेल में अपनी सजा काटते हुए अपराधी पुनः एक सामान्य जीवन जीने के लिए लालायित होते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर मेरे मन में जेलों में रह रहे बंदियों के सुधार
एवं पुनर्वास से संबंधित विचार चलते रहते थे। मेरी पोस्टिंग जब गाजियाबाद की डासना जेल में थी, तभी मेरी मुलाकात मीडिया की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर वर्तिका नंदा जी से हुई, जो इस समय की प्रख्यात जेल सुधारक भी हैं। डॉक्टर वर्तिका नंदा से मिलकर मैंने जाना कि बंदियों के मन के मौन और हलचल को अभिव्यक्ति के माध्यम से हम कैसे एक सार्थक दिशा दे सकते हैं। तब लगभग 4500 बंदी डासना जेल में बंद होते थे। जेलें अपने मोनोटोनस रूटीन से यंत्रवत संचालित रहती हैं। हमारे उच्चाधिकारियों के सहयोग से डॉक्टर वर्तिका नंदा जी के नेतृत्व में वहाँ पर कई काम हुए, विशेषकर साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में। जेलें अक्सर रचनात्मक सुविधाओं के अभाव में डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाती हैं, जैसे कि बहुत से लोग अपने संस्मरण, किस्से, कहानी, कविताएं लिखते हैं या लिखना चाहते हैं, किंतु वो रचनाएं कोई प्लेटफॉर्म नहीं पा पाती और समय के साथ विस्मृत हो जाती हैं। ऐसे कार्यों को तिनका तिनका डासना नामक किताब में डॉक्टर वर्तिका नंदा द्वारा बहुत ही संवेदनशील ढंग से संकलित कर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में जेल की चार दीवारी से बाहर आम जनता के बीच प्रस्तुत किया गया। इसकी बड़ी सराहना भी हुई। इसी तरह चार पांच बंदियों के समूह को एक बंदी विवेक स्वामी के नेतृत्व में जेल के अंदर एक दीवार में पेंटिंग बनाने का लक्ष्य दिया गया, जिसमें उन्हें अपनी कल्पनाशीलता से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना था। बंदियों के द्वारा दीवार में बनाई गई वह पेंटिंग भी लोगों ने बहुत जबरदस्त ढंग से सराही। इसी तरह तिनका तिनका डासना के नाम से एक थीम सॉन्ग बंदियों ने मिलजुल कर बनाया और इसका म्यूजिक भी बंदियों ने ही कंपोज किया। इसका उद्घाटन तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के जेल विभाग के कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा किया गया था और राष्ट्रीय मीडिया में इस काम की बहुत जबरदस्त ढंग से सराहना हुई थी। तो इस तरह के प्रयोगों से हमने महसूस किया कि जेलों में निरुद्ध लोग एक ओर जहां अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और हताशा निराशा की इस अवस्था में इतना टूट जाते हैं कि कुछ लोग आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं, अथवा कुछ लोग मन ही मन इतने कुंठित रहते हैं कि जेल से छूटने के बाद भी अक्सर बदले की आग में जलते रहते हैं और दुर्दांत अपराधी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को साहित्य, कला, संगीत और खेल कूद के माध्यम से बहुत हद तक सुधारा जा सकता है। सन 2016 में मुझे तिनका तिनका फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित तिनका तिनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में मैं जेल सुधार से संबंधित टॉपिक पर PhD भी कर रहा हूँ। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जेल से छूटने के बाद कोई भी व्यक्ति आपराधिक दुनिया से दोबारा न जुड़े, अर्थात जब वो जेल से छूटे तो कम से कम इस हालत में हो कि वो अपनी आजीविका स्वयं अर्जित कर सके। जेलों में अक्सर जब लोग आते हैं, अशिक्षित होते हैं, किसी कार्य विशेष में उनको प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता है, गरीबी के कारण भी वो कई बार अपराध की ओर उन्मुख होते हैं, तो इस तरह यदि हम उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेंड करें, उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, जिम्मेदार नागरिक बनाएं, तमाम जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं उसके द्वारा उन्हें हम सक्षम बनाएं, तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज में अपराध कम होगा। विवेक स्वामी के साथ एक टीवी चैनल की बातचीत हुई। विवेक जिस दिन इस जेल से छूटा तो मुड़कर इसी दीवार को देखने की उसने चाहत रखी।
दीवार से होता हुआ गुजरा और दीवार को अपने मन में लेकर जेल से बाहर निकला। यह है विवेक स्वामी की आवाज। बिल्कुल, अपना नाम देखो और किसके लिए चिंतित है उसका नाम भी दिया गया है कि मैं भाई के लिए, मैं माँ के लिए परेशान हूँ। अक्सर ये बैरिकों में बात होती है, जैसे दीपक है, ये दीपक अंदर है, ये सर ये मतलब स्तंभ की तरह है यहाँ पर। और दीपक का मतलब सर ये दीपक से ही है, और सर ये जो ज्योति है इसकी इसकी बहन के लिए, अपनी बहन को लेके चिंतित है ज़्यादा। गलती से क्राइम हो जाता है सर ये पर, लेकिन ये सुधार गृह है यहाँ के, बदलने की कोशिश करते हैं और 90% बदल के भी जाते हैं सर यहाँ से इंसान। तो आप तो रिहा होने वाले हैं आप जेल से, तो आप बाहर जाएंगे तो इस तस्वीर की यादें तो आपके साथ रहेंगी, लेकिन बाहर भी आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ कैदियों के लिए करें? बिल्कुल सर जी, मैं ऐसा कोशिश करूँगा, मैं चाहता हूँ सर जी क्राइम से कोई जुड़े ही ना, इस तरह का कोई मैं मैसेज दूँ, और यहाँ से जाने के बाद मैं भी सिर्फ पेंटिंग ही करूँगा, और जितना हो सके अपने साथ यहाँ से जुड़ रिहा होने वाले बंदों को अपने साथ जोड़ के यही चीज़ सिखाऊंगा सर, पेंटिंग। इस साल जूरी में श्री ज्ञानेश्वर मूले, सचिव विदेश मंत्रालय, और डॉक्टर रश्मि सिंह, सिविल सेवा अधिकारी शामिल थे। ज्ञानेश्वर मूले जी इस समय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक मेंबर हैं। उनकी आवाज में सुनिए तिनका तिनका अवार्ड्स के बारे में उनकी राय। डॉक्टर वर्तिका नंदा, आपने एक अद्भुत काम न सिर्फ हाथ में लिया है, उसे अद्भुत तरीके से आपने उस पर अमल किया है। मुझे लगता है कि आज भी समाज में कई सारे हिस्से हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और उसमें विशेषकर कैदी जो होते हैं उनकी तरफ तो समाज बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता। और उसकी एक वजह यह है कि ये माना जाता है आमतौर पर कि क्रिमिनल जो लोग होते हैं वही कैद में जाते हैं, और इसलिए उनमें कोई अच्छाई नहीं होती। तिनका तिनका ये एक अभियान है, अभियान है जिससे कैदियों को अपने अभिव्यक्ति के अपनी अभिव्यक्ति का मौका मिले, व्यक्त होने का अवसर मिले, और उनकी अच्छाई दुनिया के सामने आ जाए। कैदियों का गौरव जो है बहुत ज़रूरी है। कैदी आसमान से नहीं आते हैं, कोई भी गुनहगारी जो है आसमान में नहीं पलती है, समाज में ही पलती है, इसलिए इनके अपराधों के लिए वास्तव में समाज जिम्मेदार है। तो ऐसे वर्ग के लिए पूरा तन मन धन जुटाकर काम करने वाली डॉक्टर वर्तिका नंदा, इनका मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है वहाँ डॉक्टर वर्तिका नंदा पहुँचती है। ये काम चाहे इसका नाम तिनका तिनका हो, लेकिन ये विशाल हृदय से निकला हुआ एक हुंकार है, आने वाले नए युग का ये आगमन है, और मैं समझता हूँ कि एक नए युग की ये आहट है। आप सब इसमें शामिल हो, जिनको पुरस्कार मिल रहा है उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, और सब इस काम के लिए मैं डॉक्टर वर्तिका नंदा को बहुत बधाई देता हूँ। जिन लोगों ने उनको सहयोग दिया है उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये आवाज़ है देश की जानी मानी सिविल सेवा अधिकारी श्रीमती रश्मि सिंह की, जो जूरी की सदस्या के तौर पर भी तिनका तिनका की यात्रा को एक लंबे समय से देखती रही हैं। तिनका तिनका अवार्ड के माध्यम से यह जानने का मौका मिला है कि जेलों के अंदर भी एक सृजनात्मक दुनिया हो सकती है। इस अवार्ड के माध्यम से जेल में काम कर रहे जेल अधिकारी को भी अपनी सृजनात्मक पहचान बनाने का मौका मिला है। तिनका तिनका अवार्ड ने जेल से जुड़े तमाम लोगों के लिए एक अनूठा सकारात्मक पहल बनाया है। तिनका तिनका इंडिया अवार्ड में इन सभी चारों श्रेणियों में पुरस्कार के तहत एक खास मोमेंटो और जेल पर लिखी हुई किताब तिनका तिनका दासना दी गई। सर्टिफिकेट मोनिका सक्सेना ने तैयार किए थे। सांत्वना पुरस्कार के लिए दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा गुंजन कोहले के बनाए हुए सम्मान चिन्ह दिए गए। देश भर की जेलों को दिए जाने वाले ये सम्मान एक नई परिपाटी तय कर रहे हैं। तिनका के पास आर्थिक सहयोग नहीं है, पर हिम्मत और मन है, शायद इतना ही काफी है। वर्तिका नंदा,
तिनका तिनका के लिए।